वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ताकि आप मेरे वीडियो सबसे पहले और सबसे जल्दी। वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल अगेन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये प्रोडक्ट मेरा भी फेवरेट प्रोडक्ट है क्योंकि मैं कभी भी इसको मिस नहीं करता। इसके क्या बेनिफिट हैं ओमेगा 3 के, आर्कटिक सी के, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी फील करना चाहते हैं एक 20 साल के नौजवान की तरह, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे आप 20 साल के एक यंग नौजवान की तरह आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करेगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है। जो सबसे फाइनेस्ट फॉर्म है वो फिश या सी फूड से ही हमें ओमेगा 3 मिलता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं ऑलरेडी। 1970s में डैनिश फिजिशियन ने जो ग्रीनलैंड एस्किमोस के ऊपर एक स्टडी की थी, और उस स्टडी में ये निकल के आया था कि जो एस्किमोस हैं उनकी जो हाई फैट डाइट है वो कंज्यूम करने के बावजूद भी उनको कभी भी हार्ट अटैक या इन्फ्लेमेशंस या उनको ब्रेन हैमरेज या पैरालिसिस यानी ब्लड सर्कुलेशन के रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो उसका रीज़न क्या है, जब उसकी स्टडी कंप्लीट हुई तो उसमें से निकल के ये आया कि जिस फिश को इस्तेमाल करते हैं, वो जो सी फूड खाते हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एंड DHA एंड EPA बैलेंस का। तो आइए बात करते हैं फॉरएवर के आर्कटिक सी प्रोडक्ट की, जो सुपर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन है। अनडाउटेडली फॉरएवर के जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, फूड सप्लीमेंट्स हैं, वो बेस्ट हैं दुनिया में। बट अगर हम आर्कटिक सी ओमेगा 3 की बात करें तो ये बेस्ट क्यों है, क्योंकि इसको बनाने वाले जो डॉक्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर जॉन डेबर्ग, फादर एंड डिस्कवरर ऑफ ओमेगा 3, जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया है कि ओमेगा 3 क्या होता है। वो डॉक्टर हमारे पैनल पे काम करते हैं, तो अंडरस्टैंड करिए इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी। ओमेगा 3 एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स में पाया जाता है, और उनकी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनको ओमेगा 3 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे हमारा ब्रेन हो गया, हमारी आईज़ हो गई, हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, टिश्यूज़ हो गए और हमारे टेस्टिस हो गए, तो यहाँ पे ओमेगा 3 अगर डाइट में है तो ये सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे ओमेगा 3 के क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले ओमेगा 3 करता क्या है, जैसे ही हम इसको कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर कर देता है, क्योंकि ओमेगा 3 का काम है ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसको LDL बोला जाता है, ये बेसिकली गुड कोलेस्ट्रॉल होता है HDL को बढ़ाने में, इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो हमारी आर्टरीज में जो प्लाक जमती है, जो कोलेस्ट्रॉल जमती है, तो ये उसको नेचुरली क्लीन करने का भी काम करता है। ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर किसी को आर्टरीज में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी इसके हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। और होता क्या है, देखिए हमारा जो हार्ट है ये बचपन से ही इसने काम करना स्टार्ट कर दिया है, और एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी रेस्ट नहीं करता, तो हम चाहते भी नहीं है कि ये रेस्ट करे। तो अगर हार्ट की हेल्थ को मेंटेन रखना है तो उसके लिए भी ओमेगा 3 बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये हमारी आर्टरीज को स्ट्रेंथ देता है, ये हमारी आर्टरीज को क्लीन करने का काम करता है, ब्लड फ्लो को प्रॉपर करता है, और इसी वजह से ये हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ओमेगा 3 हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल सब्सटेंस है। देखिए हमारा जो ब्रेन है ये 40% ओमेगा 3 से बनता है, और इसको ओमेगा 3 डाइट में बहुत जरूरी चाहिए। तो ये हमारे ब्रेन को एक्टिव रखने का काम करता है। अगर किसी को बहुत जल्दी कुछ भूल जाता है तो वहाँ पे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। ये हमारी कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाता है। कोई पर्सन अगर हायर स्टडीज़ कर रहे हैं तो उसको कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी स्टडी में, तो वहाँ पे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं। जो लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन हैं, और एक्सरसाइज करने के बाद जो मसल्स में इन्फ्लामेशन या सोरनेस होती है तो ये उसको भी कम करने का काम करता है, वहाँ पे भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। ओमेगा 3 हमारी आई साइट को भी इम्प्रूव करने में हेल्पफुल है, और देखा गया है जैसे एज जैसे जैसे बढ़ती है तो आई साइट की दिक्कत आती है, तो वहाँ पे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं। और कई लोगों को डायबिटीज़ होती है तो उस कंडीशन में भी आई डिजीज़ हो जाती हैं, या आईज़ की ड्राइनेस होती है, तो वहाँ पर भी हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए ओमेगा 3 तो हेल्पफुल है ही, लेकिन अगर किसी को बात करें कोलेस्ट्रॉल लेवल की या ट्रिग्लिसराइड लेवल्स की, तो अगर ये दोनों लेवल किसी के बढ़े हुए हैं तो वहाँ पे भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लेवल भी बढ़ता है तो वहाँ पे भी ये उसको नॉर्मल करने का भी काम करता है।
ओमेगा 3 हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि जो हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई है जिसको सेल बोला जाता है, तो सेल का जो बाहरी आवरण होता है, जो कवच होता है, वो ओमेगा 3 से बनता है और उसको भी ओमेगा 3 डाइट में बहुत ज़रूरी चाहिए। तो अगर आप इसकी प्रॉपर डाइट में अगर मात्रा लेते हैं तो ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करने का काम करता है। ओमेगा 3 अगर किसी को माइग्रेन और हेडेक की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। और अगर बात करें फ्रेंड्स, इसमें विटामिन ई भी होता है, जिसकी वजह से ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो स्किन पे रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, तो ये स्किन रिंकल्स को भी कम करने का काम करता है, जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी है उसको मेंटेन करके रखता है। और ये बालों की हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है, अगर किसी के बाल झड़ते हैं तो वहाँ पर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। ओमेगा 3 हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ये डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर कोई ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है तो ये ब्लड में से उसके इफ़ेक्ट को भी कम करने का काम करता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे लिवर को भी हेल्दी रखने का काम करता है, हमारे लिवर पे शेल्टर का काम करता है। न्यूयॉर्क में हुई एक शोध से पता चलता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सेवन करने के बाद जब ये बॉडी में हमारे अवशोषित होता है तो ये एक एंडोकैनाबिनाइड मॉलिक्यूल का उत्पादन करता है, जो सूजन रोधी जिसमें तत्व होते हैं। तो वो रिसर्च में सामने आया है कि ये कैंसर को भी बढ़ने से रोकते हैं। बात करें फ्रेंड्स, आर्कटिक सी ओमेगा 3 जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, वहाँ पे दिक्कत ये होती है कि उनका कार्टिलेज या साइनोवियल फ्लूड जो होता है उनके जॉइंट्स का, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम होती है या उनको वहाँ पे पेन रहती है। तो आर्कटिक सी क्या करता है, ओमेगा 3 क्या करता है, ये हेल्प करता है कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूड को दोबारा से रीबिल्ड करने में, तो जिससे ये इन्फ्लामेशन और पेन किलर का भी काम करता है और एंटी इन्फ्लामेटरी होने की वजह से ये जो है इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। आर्कटिक सी फ्रेंड नेचुरल ब्लड थिनर का भी काम करता है, ये कुदरती तरीके से हमारे खून को पतला रखने में भी हेल्पफुल है, और ये जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं उनको भी रिड्यूस करने का काम करता है, ट्यूमर्स को भी रिड्यूस करने का काम करता है। और अगर स्किन के रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम है, लाइक एक्जिमा, सोराइसिस, इवन स्किन कैंसर के केसेस में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि देखिए जब आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा और हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है वहाँ पे जब ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा, तो अगर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है तो ये उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है। और जब ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर कर देता है, तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बहुत अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे सेक्सुअल फंक्शन के लिए बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। और अगर किसी को स्पर्म काउंट में दिक्कत है तो ये वहाँ पे भी अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। अगर किसी को ईडी की प्रॉब्लम है, इरेक्शन डिसफंक्शनिंग की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं एक 20 साल के लड़के और 50 साल के या इससे भी ज़्यादा साल के पर्सन की बॉडी में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस सिर्फ होता है ब्लड सर्कुलेशन का। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है हमारी बॉडी में वो है डाइजेस्टिव ट्रैक। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर है तो आप हेल्दी हैं। और सेकेंड जो चीज़ है वो है ब्लड सर्कुलेशन। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर है तब भी आप हेल्दी हैं। तो ये दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए हमारा एलोवेरा जेल अगर आप प्रॉपर कंज्यूम करते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन के लिए अगर आप आर्कटिक सी ओमेगा 3 हमारा यूज करते हैं, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप जब इसको रेगुलर कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे तो सिर से लेके पैर तक जो हमारा शरीर नर्वस सिस्टम का बना हुआ है, तो सारी की सारी नाड़ियां जब साफ होंगी, सारी की सारी नाड़ियों में से जब सफाई होगी, तो जब ब्लड फ्लो प्रॉपर हो जाएगा, ब्लड के थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन आपके ऑर्गन्स को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी जो है, आप किसी भी एज में है, आपकी बॉडी जो है वो एक 20 साल के लड़के की तरह रिस्पॉन्ड करेगी। फ्रेंड्स, अगेन आपने इस चीज को समझना है, फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये एक फूड सप्लीमेंट है, एक बहुत अच्छी डाइट है, और हम इससे बहुत अच्छी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। ये किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं है और हम किसी तरह के कोई डॉक्टर नहीं है, तो ये हमारी एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने में हमें हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कैसी लगी आपको आज की इन्फॉर्मेशन, आप कमेंट करके शेयर भी कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सो दैट ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचें। और मिलते हैं बहुत जल्दी एक बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे यंग।